नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। एकता समाचार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। ये है हमारे सागवाड़ा वागड़ क्षेत्र की जानी मानी हस्ती भाई कबीर एम लव के नाम से मशहूर है, जो सागवाड़ा जिला डूंगरपुर के निवासी है और एक जाबाज और होनहार और प्रेमी, जो बॉम्बे के अंदर बॉलीवुड की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में और बहुत सारी फिल्मों के अंदर अदाकारी भी कर चुके हैं, अपनी फोटोग्राफी भी कर चुके हैं और बहुत बहुत ही इसको आप आज मैं एकता समाचार के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो हमारे सागवाड़े की एक बहुत बड़ी हस्ती है, जो बॉम्बे के अंदर एक अदाकारी का रोल करते हैं भाई कबीर एम लव, निवासी सागवाड़ा। महिपाल स्कूल हमारे सागवाड़े की जो मशहूर है, उसके अंदर इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई करी। इसके बाद बीएन कॉलेज उदयपुर के अंदर इन्होंने बीकॉम किया और करने के बाद फिर बॉम्बे चले गए, जो बॉलीवुड से सीनियर फोटोग्राफी और अदाकारी। अभी फिलहाल भोजपुरी फिल्म खुद्दार में गांधी का रोल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे वागड़ की हस्ती जो फिल्मों के अंदर एक बहुत ही अच्छा रोल कर रही है। मैं इनके इंटरव्यू के लिए आया हूँ। भाई कबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस्तकबाल है आपका, मुबारक हो आपको। आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ सागवाड़ा में आया और आपसे मुलाकात हुई और बहुत स्ट्रगल किया है मुंबई में। सवाल नहीं है कि आदमी अगर यहाँ से निकले, छोटे से गांव से, अच्छा चलो आज बहुत अच्छा सिटी बन गया है सागवाड़ा, एक डूंगरपुर जिला एक अच्छा बहुत नाम कमाया है, उसके बीच में से हम यहाँ से निकल के गए तो हमने भी मुंबई में बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद में धीरे 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 हार नहीं मानी। मुंबई में हार मानने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम्हारे पास पैशन है और पेशेंस है। एक तो चीज़ होती है कि तुम, मुझे फोटोग्राफी का बहुत पहले से शौक था, बचपन से शौक था। उस शौक को मैं प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने के लिए मैं मुंबई गया, धीरे धीरे पत्रकारिता की, पत्रकारिता के साथ में फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी करते करते एक जनरल न्यूज़ कवरेज करता था, फिर जनरल न्यूज़ कवर करने के बाद में हम थोड़े रिलीजियस न्यूज़ कवर करने लगा। जैसे पता चला कि बॉलीवुड में भी जाना है तो किसी के साथ बॉलीवुड में गया, वहाँ के न्यूज़ कवर करते करते अच्छा लगा कि चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। तो आगे और हमने अपना बॉलीवुड के माध्यम के ज़रिए से मैगजीन्स वगैरह, फिर स्टार और सेलिब्रिटी है जो अदाकार है, कलाकार है, उनके साथ इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला। इंटरव्यू करने के बाद में उन लोगों से मेल मिलाप करने का मौका मिला। आज कुछ लोग हमें बाय फेस से जानते हैं, जैसे बच्चन साहब है, आमिर खान है, जॉन अब्राहम है, वो नाम से पहचानते हैं हमें। जॉन अब्राहम ने मुझे एक नाम दिया हुआ था जब धूम रिलीज हुई थी, उस साल उस टाइम पे जॉन का नाम कबीर था, कबीर था। और कबीर के बाद में जब मैंने इंटरव्यू लिया और उसने, जॉन ने मेरा नाम पूछा, मैं केप पहनता हूँ जिसके साइड में कबीर का नाम लिखा हुआ था, तो जॉन ने पूछा कि एक नाम, मैंने कहा सर मेरा नाम है, वहाँ से नाम चेंज कर लिया मैंने, कबीर लव कर लिया। तो ये जर्नी है। और धीरे धीरे मैं हॉलीवुड के रूप में गया था, जहाँ पर मैंने अच्छी खासी हॉलीवुड इंडस्ट्री से मिला, हॉलीवुड फिल्मों में शूट भी किया है और आज चल रहा है मेरा काम। आज मैं सागवाड़ा निवासी हूँ, सागवाड़ा में आते हूँ, तो लोग पहचानते हैं मुझे। एक और बात है कबीर जी, आप, हमने सुना था कि आपके एक मित्र थे गजल गायक, उस गजल गायकों के बारे में थोड़ी उनका। गजल गायक तो मैं बचपन से गजल गायक का गायकी से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी गजल सुनते थे, अब गजल सुनते थे, वो गजल जगजीत सिंह के नाम से, और आज के तारीख में जगजीत सिंह बोले तो गजल किंग है, किंग है बिल्कुल, गजल किंग है। उनके साथ मुझे एक साल काम करने का मौका मिला, उनके साथ रहा, कॉन्सर्ट्स में जाने का मौका मिला और एक बेटे की तरह मुझे मानते थे। बहुत ही अजीब लगा हो गया था उनके साथ मेरा, बहुत अच्छा लगा। और आज नहीं है तो उनकी दुआएं साथ में हैं, आज भी उनको याद करते हैं लोग। जब भी गजल सुनता हूँ मैं, उनकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, क्योंकि वो दर्द है, वो कशिश है उनकी गजलों में। नाम है जगजीत सिंह। अभी
आप भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं खुददार? नहीं, भोजपुरी फिल्म में मैं एज ए फोटोग्राफी बिहाइंड द सीन्स और मेकिंग करता हूँ जो ज्यादातर, बट ये अभी जो फिलहाल मैंने भोजपुरी फिल्म कंप्लीट की उसका नाम है खुददार। हाँ, मल्टी तन्वी मल्टीमीडिया दीपक शाह प्रेजेंट्स है और प्रोड्यूसर है, और दिनेश यादव उस फिल्म का डायरेक्टर है जो अभय सिन्हा के असिस्टेंट रह चुके हैं, और इसमें है भोजपुरी फिल्म की एक सुपरस्टार अदाकारा अंजना सिंह और गुंजन सिंह, और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने कॉमेडी सीक्वेंस में, क्लाइमेक्स में कॉमेडी सीक्वेंस है मुन्ना और गांधी बापू का, उसमें मैंने बापू का कैरेक्टर किया हुआ है और वो बहुत सराहा गया है। क्यों कि पता नहीं उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मैं गांधी लग सकता हूँ, तो फिर मैंने अपने अपने कैरेक्टर में घुसा, तो उस कैरेक्टर में जाने के लिए मेरे को अपने शरीर से 3 से 4 किलो वजन कम करना पड़ा, क्योंकि मुझे पतला दुबला दिखना था। पतला दुबला हूँ ही, बट मैंने और पतला दुबला देखा, आपने देखा होगा उसमें एकदम देखा है हमने, तो मैंने हाँ देखा कि भाई आमिर खान ने अपने कैरेक्टर के लिए कुछ भी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने 1 महीने के लिए खाना पीना बंद कर दिया, पानी और हवा खा रहा था, उसके बाद मेरा लुक हो गया चेंज, आज मैं आपके साथ है दूसरे लुक पे हूँ। अब बहुत जल्द रिलीज होगी तो आप देख सकोगे फिल्म को। गांधी जी का थोड़ा एक छोटा सा रोल बताइए हमारे दर्शकों को, आपने जो रोल किया है वो। गांधी जी का रोल तो वो तो अब हाव भाव जैसे फिल्म के जरिए देखोगे, हाँ वो फिल्म के जरिए देखोगे, वो जब वो गांधी जी के चश्मे, गांधी जी की धोती और डंडा मैंने पकड़ा हाथ में, तो वो ऑटोमेटिकली मैं उस कैरेक्टर में घुस गया, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं थी। बोल कहते हैं ना कि बापू मेरे अंदर आ गए, क्या बात। हाँ, तो बापू मेरे अंदर आ गए, वो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेशन आ गए, फेस के एक्सप्रेशन है, स्माइल की एक्सप्रेशन है, सामने से सामने किसी को हाथ दिया तो स्माइल के एक्सप्रेशन से अलग आती है, वो किसी कैरेक्टर में घुसो तो वो माहौल के अंदर तुम कैरेक्टर में आ जाओगे। हमने सुना है आपने गुजराती फिल्म पर भी और क्या किया गुजराती के बारे में? गुजराती फिल्म है, मेरे फ्रेंड की थी तो दो गुजराती फिल्म थी, तो उसमें मैंने एज अ बिहाइंड द सीन्स कैमरा फोटोग्राफर का काम किया है। फिल्म की पूरी मेकिंग बनाई है कि किस तरह से हम फिल्म बनाते हैं उसकी मेकिंग करते हैं, तो मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। जब आप फिल्म पर्दे पर देख लोगे तो हो गया, बट उसके पीछे कितने लोग काम करते हैं, किस तरह से वो फिल्म तैयार की जाती है, 50, 60, 70, 80 लोगों के साथ मिलके सुबह से लेके शाम तक वो फिल्म बनाई जाती है, उसकी मेकिंग करता हूँ, वो मेकिंग बनाता हूँ। और अभी एक मेरे दोस्त ने लिखी हुई है CM टू PM, कॉमन मैन टू पब्लिक मैन, उस फिल्म में मेरे बारे में कैरेक्टर भी लिखा जा रहा है और वो फिल्म की बैकग्राउंड पूरी कंप्लीट बिहाइंड द सीन्स में कर रहा हूँ। अभी तो अगले मतलब 2 महीने के बाद में वो फ्लोर पे जाएगी, अभी लिखा जा रहा है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। हमने एक और सुना है आपके बारे में कि आप इंग्लिश फिल्म कोई सांसे आ गई है? नहीं, इंग्लिश फिल्म मैंगो ड्रीम्स के बारे में, हिंदी फिल्म सांसे आ गई है राजीव भुइया की, और रजनी दुग्गल के साथ में उसका एक मॉरिशस लड़का बना हूँ मैं, वो आ गई है फिल्म 2017 में रिलीज हो गई, 2017। हाँ, और ये जो मैंगो ड्रीम्स थी वो 2016 में रिलीज हुई है, इंग्लिश फिल्म है, जैक फिल्म है, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जॉन ऑपरेज, वो अमेरिकन है, अमेरिका में फिल्में बनाते हैं और पहली बार हिंदुस्तान में आए हैं। क्यों? क्यों उनको एक अच्छा सा सब्जेक्ट मिला, उन्होंने स्क्रीन प्ले किया, और मेरा एक मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा कि मुझे ऐसे हस्ती के साथ काम करने मिला जिसको पद्मश्री और पद्म भूषण मिला हुआ है, उनका नाम है राम गोपाल बजाज, वो NSD राष्ट्रीय नाट्य स्कूल उसके डायरेक्टर हैं, और उनके शागिर्द मतलब उनके स्टूडेंट हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान और पंकज त्रिपाठी, वो उनको उन्होंने वहाँ उनके हाथ से पढ़े हुए हैं वो, और वहाँ से निकले हुए हैं, तो अब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैं उनके साथ काम किया, मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर किया हुआ है, मैंगो ड्रीम्स फिल्म का नाम है, और ये फिल्म है हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन पे, और इनमें राम गोपाल बजाज जी के भाई का रोल किया हुआ है नसरुद्दीन शाह, रॉनी हथकंडी, पंकज त्रिपाठी, समीर कौचर, और बहुत इसको कहानी को लिखा है मजाहिर रहीम और हमजा रहीम ने, और बहुत अच्छी स्टोरी है, नेटफ्लिक्स पे अभी आ चुकी है वो फिल्म, और इंग्लिश में फिल्म हिंदी में नहीं आएगी क्योंकि वो अमेरिकन है, उसको लगा कि नहीं फिल्म इंग्लिश में ही अच्छी चल रही है तो मैं हिंदी में नहीं बनाऊंगा। आपने ये फोटोग्राफी करी और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और हॉलीवुड और बॉलीवुड के हर डायरेक्टर और हर कलाकार से मिलने का, आपके जिंदगी में ऐसे कोई हस्ती का नाम बताइए
जो एकदम आप प्रभावित हुए और उनका काम करने का आपको मौका, उनके साथ काम करने का आपको अच्छा मौका मिला, ऐसे कोई जीवनी का दर्शन? जीवनी तो मैं एक ही बंदे को फॉलो करता हूँ मेरे लाइफ में, अमिताभ बच्चन है, जो उनसे मैंने सीखा हुआ है कि टाइम का पंक्चर किस तरह से होगा। अगर उनको बोला गया कहीं कोई इवेंट है या शूटिंग पे है, उनका टाइमिंग होगा 8 बजे, तो वो 7:30 बजे सेट पे आएंगे और 7:45 बजे सबको बोलेंगे चलो रेडी, 8 बजने में टाइम हो गया, चलो रेडी। मतलब टाइम के इनसे, इनसे इनसे सीखा जाता है कि टाइम के पंक्चर किस तरह से होते हैं, नहीं तो हम बॉलीवुड वाले कभी भी टाइम के पंक्चर नहीं होते, कोई भी हस्ती हो। बट बच्चन साहब से अच्छे अच्छे लोगों ने सीखा हुआ है, अगर बच्चन साहब के साथ में कोई काम करने की इच्छा रखता है, और हम तो बिहाइंड द सीन्स काम किया है बच्चन साहब के, वहाँ पे जैसे ही हम कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे जाते हैं तो सेट की घंटी बजने से पहले बच्चन साहब वहाँ सेट पे खड़े होते हैं, जैसे ही शॉट रेडी होता है, शॉट एक्शन बोला जाता है, बच्चन साहब अपने शॉट को तैयार, तो उनको फॉलो करता है। आज की तारीख में हर नया कलाकार उनको फॉलो करने की करता है, हम भी कलाकार हैं, हर कला को आकार देते हैं तो हम भी कलाकार हैं। अब अंतिम सवाल कबीर जी के, आप और आगे क्या करना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आगे तो मैं एक ही चीज़ करूँगा कि मैं पहले से ही आगे तो मैं एक ही चीज़ करूँगा कि मैंने जिस जिस चीज़ से मैं बढ़ा हूँ, मैं पत्रकारिता नहीं छोड़ सकता और मैं अपनी फोटोग्राफी नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये जो एक एक्टिंग का है वो मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, देख देख के मैंने एक्टिंग सीख गया हूँ क्योंकि उनके साथ काम किया है। बट वो बोलते ना कि सामने वाले को वो जोहरी है, उसको हीरे की तलाश होती है, तो वो जो डायरेक्टरों के साथ काम किया है उन्होंने मुझे छोटे मोटे जो भी कैरेक्टर देंगे मैं बखूबी निभाऊंगा। बेशक, बहुत अच्छा लगा आप तक हमको पहुंचाने में, हमारे भाई हरीश जी सुथार। हरीश जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इनका बहुत मिला एकता समाचार के लिए, इन्होंने जो आज हमें इतनी बड़ी हस्ती से हमें मिलने का और हमारे दर्शकों को और हमारे वागड़ की जो एक प्रतिभा है जिसका तारीफ तो हम नहीं कर सकते हैं। तारीफ किसी की नहीं की जाती है, तारीफ तो उस खुदा की करो जिसने हमें बनाया है, बेशक, मिला है। बेशक, बेशक। और एक चीज होती है कि अपने काम के प्रति मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, किसी से कोई चीज नहीं होती अपने काम में। दो चीज ध्यान रखना है कि ये चीज ऐसी है, स्ट्रगल बहुत है इस लाइन में, बट एक तो पेशेंस होना जरूरी, धैर्य सबूरी सबर होना जरूरी है अपने में, और दूसरी पैशन, इस काम के अंदर घुसना है मतलब कि यही करना है मुझे आगे और कुछ नहीं करना है, तो वो काम के अंदर पैशन होना जरूरी है किसी चीज की। आज हरीश भाई को मैं मिला, उनकी इंडस्ट्री में गया, उनका जो वो ब्रिक्स का काम किया, उन्होंने अपने पैशन के जरिए इतनी बड़ी चीज तैयार कर ली। एक ही था उनको करना था, पैशन, सीखे हुए कोई नहीं आते जन्म से या माँ के पेट से, कोई सिखा हुआ नहीं है, आके यहाँ सीखना पड़ता है और सीख सीख के हमने दुनिया में इस तरह से काम किया। और आज मुझे मुंबई में होते हुए 16 साल हो गए, स्ट्रगल किया हुआ है, स्ट्रगल कर रहा हूँ और करता रहूँगा। हरी जी, एक सवाल आपसे पूछेंगे हम, आपके भाई साहब कबीर जी आपके मित्र है, कबीर एम लव, और आपकी दोस्ती की लोग कसमें खाते हैं, हमें मालूम है, हम सागवाड़े में आप निवास करते, और आप बताइए, आप समाज सेवी का बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और कबीर भाई के बारे में आप कैसे क्या जानते हो, जरा थोड़ा बताइए। कबीर के बारे में तो इतना जानता हूँ कि वो इतना टैलेंट है और कोई भी चीज़ सोच जाता है कि मुझे ये करना है तो उसको फॉलो करता है, तो उसका यही एक उद्देश्य है कि कोई भी चीज़ को फॉलो करो, आप उसके पीछे लग जाओ तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जब तक नहीं मिले उसके पीछे लगो। एक उसको छोड़ना नहीं है, वो काम को ऐसा नहीं है, हार नहीं माननी है कि भाई ये काम है, अरे यार मैं तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया यार, यार छोड़ दो यार क्या कर रहे हैं यार, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, फॉलो किया, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसकी मेहनत ही ये रंग लाई है और आज इस मुकाम पे ये पहुंचा। बिल्कुल साहब, यही देखिए, पूरे देश विदेश में घूम चुका हूँ मैं अपनी फोटोग्राफी के लिए। जब मैं बर्ड लाइफ के लिए गया था तो बर्ड लाइफिंग में मेरा एक ही मकसद है कि फ्लाइट बर्ड, बट बैठे हुए पंछी को तो कोई भी क्लिक कर लेगा फोकस करके, बट जब उड़ते हुए पंछी को अपने कैमरे में कैप्चर करना वो बहुत धैर्य की बात है। ये 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक ही जगह पे बैठ के उस उड़ते हुए पंछी पे नज़र रखना, और मैंने क्लिक किया तो DNHS की तरफ से मुझे बेस्ट फ्लाइट बर्ड का अवार्ड दिया गया 2013 में, मुझे एक उड़ते पंछी का क्लिक करते हुए।
बहुत बड़ी बात है साहब, ये बहुत अच्छी बात है। फोटोशॉप का काम भी इन्होंने मुझे सिखाया, जब तक मैं इस तरह से मिक्सिंग करता है, फोटो ये करता है, और मोबाइल से भी फोटोग्राफी करना कि किस तरह से फोटोग्राफी की जाती है। आज एकता समाचार के लिए बहुत ही बड़ी हस्ती आज हमारे सामने पेश हुई है, इसके लिए मैं तो पहले हमारे हरीश जी सुधार और हमारे एम के कबीर साहब जो सागवाड़े के निवासी है और बॉम्बे के अंदर और सारे हिंदुस्तान के अंदर एक अपना नाम कमा रहे हैं, हमारी तो ये दुआ है कि भाई ये इसी तरह हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाते रहे और डूंगरपुर सागवाड़े का नाम पूरे हिंदुस्तान के नक्शे कदम पे रहे, यही चाहते। ये कहकर मैं एकता समाचार के लिए शेख राजू भाई आपके सामने जो कबीर भाई का इंटरव्यू पेश किया, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।